नाउ स्टूडेंट्स हेलो, हम अब करने जा रहे हैं सेवन क्लास के लिए एक्सरसाइज 6.4 सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम ट्रायंगल के केस होता है तो दो साइडों का सम हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी पॉइंट ओ लेना है हमें ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, और इनमें से कौन सी सिचुएशन सही बैठती है, क्या ये कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर होगा पी क्यू से, क्या ये कि ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर होगा क्यू आर के, या फिर ये कि ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर होगा आर पी से। इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन ट्रू होगी। तो अब हम जैसे पहले थ्योरम लिखते हैं, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इसलिए। अब हम इसको मिला देते हैं, हमने आर को ओ से मिलाया, ओ को पी से मिलाया और ओ को क्यू से मिलाया। ओके स्टूडेंट्स, ओ पी प्लस ओ क्यू। अब यहाँ पर ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू और एक पॉइंट है ओ, ओ पी क्यू हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, हम इसमें ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर आ रहा है ओ पी प्लस ओ क्यू, दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा है, तो यानी कि ये ट्रू हो जाता है क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए दो साइडों का सम ओ पी और ओ क्यू हमेशा ही थर्ड साइड से बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम कर सकते हैं इस केस में। देखिए इसमें तीन पॉइंट आ रहे हैं ओ क्यू एंड आर, तीन पॉइंट ओ क्यू एंड आर, तो ये ओ क्यू एंड आर ये वाला ट्रायंगल हो जाता है। इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ओ क्यू एंड ओ आर, और ये थर्ड साइड है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, तीसरी साइड से बड़ा आ गया। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से इन ट्रायंगल, अब तीसरा केस है, इसमें पॉइंट आ रहा है ओ आर एंड पी, इन तीन पॉइंटों के अलावा कोई पॉइंट नहीं है, तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर ट्रायंगल कौन सा हुआ, ओ पी आर ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है कि दो साइड ओ पी एंड ओ आर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ओ पी प्लस ओ आर ग्रेटर देन पी आर, या फिर कह देते हैं ये आर पी, तो इस केस में भी यस आंसर आ रहा है, यस गिवन सिचुएशन इज ट्रू। और इसमें भी क्या होगा, सेम ऊपर वाली बात होगी, और इसमें भी सेम ऊपर वाली बात होगी। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। देन स्टूडेंट्स गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, नहीं आया अनलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ उस प्रॉब्लम को, और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी नॉलेज मिल सके। ओके।